सबसे पहले पूजा की थाली में लाल चुनरी, कलश, लच्छा, धूपबत्ती, चावल, हल्दी, कुमकुम और थोड़ी सी आटे में हल्दी मिलाकर घोल लेंगे और दीपक लेकर सबसे पहले हम मंदिर में जो तुलसी जी है वहां की पूजा करके आएंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर मंदिर की तुलसी जी की पूजा कर ली है। उसके बाद में मंदिर में गई अंदर। मंदिर में अपन जो भी भगवान है, जैसे हमारे यहाँ पर शंकर भगवान, गणेश जी, पूरा शिव परिवार बैठा हुआ है, उनकी पूजा कर ली। तो अपन ने जब मंदिर की पूजा कर ली उसके बाद अब अपन घर पर चलेंगे। और देखिए यहाँ पर घर पे छत पर मैंने ये पूजा करी थी। सबसे पहले जो कलश का पानी है उसके छींटे हम धरती माता पर डाल लेंगे ताकि धरती माता पवित्र हो जाए। इसके बाद हमने हल्दी और आटा मिला हुआ लिया था, उससे हम एक आंगन सा लीप देंगे। इसके बाद आटे से इस पर अपन साथिया बनाएंगे। साथिया इस तरह से बनाना है कि जो ये प्लस का निशान होता है ये बीच में से कटे नहीं, इसे उठा कर लेना है। इसके बाद जैसे साथिया बनाते हैं बना दीजिए। साथी के बाद आसपास दो लकीर आटे की बना देंगे। अब हमारा जो ये स्थान है ये पूजा के लिए तैयार हो गया। इस पे थोड़े से चावल रखकर हम तुलसी जी का गमला रखेंगे। यहाँ पर हमने चावल डाल लिए, अब गमले को इसके ऊपर रख देंगे। हम पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद थाली में से कुमकुम का टीका लगाएंगे, हल्दी का टीका लगाएंगे और फिर मेहंदी का टीका लगाएंगे। आखिरी में अक्षत चढ़ाकर और हाथ जोड़कर जो चुन्नी हमने बनाई थी तुलसी माता के लिए वो तुलसी माता को पहना देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें 108 बिंदी कुमकुम की और 108 बिंदी हल्दी की लगानी है। तो आप पूरे गमले में कहीं पर भी लगा दीजिए। यहाँ पर मैं जिस तरह से लगा रही हूँ, यहाँ पर मैंने बगीचे से ही फूल तोड़े थे वही लेकर आई हूँ। यदि नहीं हो आपके पास तो आप बाजार से ले आइए कुछ फूल और इस तरह से तुलसी जी के गमले में पुष्प अर्पित कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स दीपक लगा दीजिए, धूप बत्ती लगा दीजिए। तुलसी माता की पूजा तो संपन्न हुई। अब हम इसके बाद जो कुमकुम की बिंदी है वो अपने माथे पर लगा लेंगे, सिंदूर में लगा लेंगे और चूड़े में भी लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हाथ जोड़कर अब हमें 108 परिक्रमा तुलसी जी की करनी है। इसमें जो भी आप दक्षिणा में देना चाहें वह सामान 108 लेकर और एक एक रखते जाएं ताकि हमारी परिक्रमा पूरी हो जाए। इसके बाद हाथ जोड़कर और तुलसी माता के ढोक देकर बस अब हमें जो सोना धोवन की कथा होती है जो कि सोमवती मास में सुनी जाती है वह सुनेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों के बीच में एक बेटी थी। एक बेटी ने तो ब्राह्मण देवता भिक्षा ले पा लेने आता था। तो जो वो है ना, जो बाबुओं को तो बढ़िया सीख देती थी, टूड़ा दौड़ा मर जो तू सागनो जो तू दाना जो पूता फल जो। और जो बेटी रखने जाती थी उसे कहते थे गंगा जी नाना मौज करना। तो एक दिन है ना, जो उनकी माँ बेटी थी बाहर, तो माँ बेटी तो ब्राह्मण देवता भिक्षा लेने आए। तो ब्राह्मण देवता जैसे बहू रखने गई तो वही सीख दी उसको। तो वो तो सुहागन हो जो दूधा फल जो पूता फल जो। और जैसे बेटी रखने गई तो फिर गंगा जी ना जो मुझे तो ब्राह्मण देवता हमारी बुआ का था तो बढ़िया सीख दे चुके था। और हमारी बेटी से कहते हो गंगा जी ना जो मुझे दो। तो मैं तो बस आप क्या बात का गेला बहुत दूर पे कह कई बात थे। वो ऐसा कहते हैं कि सुनो गए देखो बहुत कठिनाई को काम थे। तो माँ कहते एक ही बेटी के, माँ की बेटी सुखी न रहेगी तो फिर माँ काय काम को का स्वागत सर्व परिवार अंदर लक्ष्मी काय काम की को पेट माँ का। तो जब भी विधि हो जो बताओ को बेका काय गति के लोग निकलोगो काय चल गए। तो बेको तो ये एक ही थे का माँ सोना दो बन जाए जो वही कहता है सुहाग देगी। सोना दो बन की चाकरी करो, बर्तन माजो, माँ की सेवा करो। तो बेका सोना दो, सोना दो बन कहाँ चेक बारह बारह चौबीस कोस हो जाए। तो बेका अति दूर कौन जाओगे। तो ना छह बेटा सीखी तो छह बेटा ने मना कर दी, कोई को बुआ ने मना कर दी, कोई को बेटा ने मना कर दी। तो छोटे छोटे बेटो थे तो सीखी भैया तो छह बेटा ने तो मना कर दी है ना। तो तू जागो थारी बहन के साथ कमा कमा के 7 भाइयों के बीच में एक ही बहन। अगर माँ की बहन ही सुखी न रहेगी तो फिर माँ भाई का ही काम करते हैं। तो मुझे जाऊँगा अपन पाचे से हमारा परिवार की पूरा की ध्यान ध्यान रखा जो। तो वैसे सही बात है, दोनों बहन भाइयों को खावा पीवा को बांधे। दोनों बहन भाई चले जाता जाता है। तो
दंत फेर होगी, दंत फेर होता है तो भाई तो सो गयो पेड़ की छाया के नीचे। बेन जाग रही थी तो उड़ पंख ने ना बच्चा दे रखे था, तो सांप आओ तेरे बच्चा का ताई खा जाओ तो सांप, तो ना जो सांप आता है वो बच्चा चिल्ला बला गया। तो बेन की नगा पड़ी, नगा पड़ता है भाई का था जगह कूट वे का काई बात है कि सांप आ रही है बच्चा खाओगे क्या कि जान बचान से। तो दोनों बहन भाई ने सांप को ठाई मारे थे, मार तो उड़ पंख नहीं आई कर मार बच्चों को चुगो चुगो का तो देना कि अब आस माता बच्चे जिंदा मिले तो माँ का चुगो तो मैं बाद में चुगूंगा, पहले एक दोनों जनान माँ की जान बचाए तो बोल गया सब बोल एक यहाँ का काई चाहे जो वही ये की वजह से बेटे के काई बात है। तो वहाँ से पूछी तो उन्होंने कहा भाई बातचा दो गो बातचा बम बातचा बातचा दे तो साँचा गो बेटा कह मैं तो सुना दो बन क्या जानू थे सुना दो बन क्या छोड़ दो कहाँ रहे थे कहाँ रहे तुम्हें काई बेटे का ना मालूम कोई ना, एक पंखड़ी पर तो भाई बिठाने हो एक पंखड़ी पर बहन बिठानी और वह तो उठ पंख नहीं लेकर उड़ गई समुद्र के पार जाकर छोड़ गया गई सामने जो घर बार थे। तो ये सुना तो बन कुछ तो क्या तो दोनों बहन भाई चल रहे थे सुबह तड़काओं में जाओ जल्दी 4-5 बजे। तो बहन तो चौका को चौको लगा ले चूल्हा की बानी खोल ले बुआरा खा ले बर्तन मार ले परांडो भर ले गट्टी में आटो पीस ले और रोटिया बना बन कर तभी लख नीचे डांग डूब कर खा जाओ उपाय जाओ तो गद्दा का खोल कर ले जाओ वहाँ से चराया आओ चढ़ जाओ तो पाचे आके खूटा का आके बांध दे। अब नराधन हो गया नराधन होता है दो बन पोची करी की बुआ का फैलना तो काम कर लेकर से लड़ाए हो तो से लड़े थी कार कर तक लड़ाए भी ना हो तेरे सासू जी माँ से लड़ाया खाई बात की काम के पीछे तो लड़ाए हो जो काम ही सीधो मिल जाओगो तो माँ का लड़ाया खाई की होगी का बेटा से पूछी। तो बेटा की माँ गद्दा चराबा के पीछे लड़ाए हो कि अब गद्दा ही मैदा पे दुपे मिले थे तो माँ का लड़ाए खाई बात ही होगी का कसो कुंजे का आप घर में जो सारो काम कर जा अपने याद भी न पड़े तो खाल ध्यान रखा लूंगी। तो वह जो ध्यान रखा ने और दूसरे दिन वही आई दोनों बहन भाई आता है सुना दो बन जहाँ की थी जहाँ की तो ना सारो काम कर लियो अरे सुना दो बन की मुँह की हांडी थी तो पैसा पका कर हांडी जान की जान जा रखी। तो सोना दो बन जैसा जब लगी सोना दो बन को पल्लो पकड़ लो तो भाई तू कुछ तो भाई बूच पी चे तू कुछ देख तुम आकर घर आम अत्ता दना से काम करते भाई को मुँह तो आकाश की पटकी धरती की जेली बामन की बेटी जी को मुँह तो कम तो भाई मारा बाग में सुहाग कोई ना तो मुँह तो सुहाग ले भाई जी का ओ बामन की बेटी तुम आकर सुन दो ब्याह का घर आम काम करी जितना साल भर हो गया 12 महीने हो गया काम करता गया तेरी भाई छन लियारी भाई तन तो तुम आकर तो भाई हाँ सुहाग दूंगी का थार चाहे का तर मा तो 12 बरस तर मा का घर में काम करे तो भाई का कुंते का तार साथ में मारो भाई बीते का थारा भाई ने भी बुला दोनों बहन भाई बुलाया बुलाते हैं सारी विधि बताई विधि बताते हैं। तो भाई कहता शादी ब्याह बहुत धूमधाम से करो पर मारो नोटू दीबो मत भूल जाओ। वही पुआ दोनों बहन भाई आया थे वही उड़ पंख ने मिली थे उड़ पंख ने तो उड़ पंख का पंखड़ा पर बैठ के वे समुंदर पार कर चे वही चंद जो मास आके खींचे तो माँ का सुंदर तो बना सा सा खींचेगा माँ की ब्याह की तैयारियां करी सब कुछ करया बारात आई चंद जो छे फेरा पड़िया सातवा फेरा पड़वा लगे तो लाडा नाड़ की नटेर दी सो सा वहां से सुना दो बन चाली। तो भाई के मुझ जाऊँ थी साहूकारा का ब्याह तो भाई वो तो भूल गया पर मुझ थोड़ी भूली थी तो बातें की बंदी थी कह दी। तो वहां से ने देखो भाई कब कायो सब वहां के गिन गेला पर जा रहे थे गिन गेला पर जा रहे थे चटी जा रहे थे कोई कटी जा रहे थे वो का अपन तो सुपड़े साथ तो फिर में नाट की नटे दी वो का लाडा ने खायो गो लाडा के खायो गो कहना करे के माई की अरे का अपन तो सुना दो बन के लोटू दे भाई भूल गया एक ही गेला पर जा रहे थे एक ही गेला पर जा रहे कटी जा रहे कोई कटी जा रहे दशा जब अलग कर भाई आओ कहाँ जा रहे थे मैं तो सुना दो बन के लोटू भूल गया था यूं ही बुलावा जा रहे थे। तो बे कहता बोल गया फन मुँह थोड़ी बूढ़ी थी तो बच्चा की बंदी हुई थी तो आप बेटी कहता के दरवाजे का कथा मचने जो वही अंदर ले गया थे अंदर ले जाता है फिर आप जो संकल्प लिए थे तो जब भी शादी के बाद जब भी सम्मोति माउस करी थे वो बामन की साहूकार की बेटी कहता लाग जुगा वही संकल्प को छोड़ के बामन को लड़के खड़े हुए थे वहाँ का सातवा फेरा पड़े थे तो लाडा लाडी विदा करे थे कभी का सभी विदा कर दो तब कभी सोना दो बार भी विदा करो कभी जो भी देनो करो तो खूब सारू देवा लगे उन्हें कि बेग मु बामन का घर में से लेकर जाऊं या बामन के तय दूंगा मैं तो काय भी ना चाहे मैं तो फेरा पड़े थे तो सुहाग बुआ की चीज है तो फेरा की चौरी दे दो कमार ताई तो का
तो चौंरी लेकर चली थी, मिट्टी की चौंरी लेकर चली। रास्ता में चले समोच माउस पड़ी लुगाया नारी जी, तो भाई याद कहे थे कि भाई याद तो समोच माउस को बरतते को हमारे पास तो काय भी कोई नहीं, तुम तो सब बरत करूंगी। गुआई पीपल को पेड़ चो, तुलसा जी को बिटलो चो, गणेश जी को मंदिर चो, तो ना तो न जो सोना दो बन गोले लगा कर भाई ब्राह्मण देवता जी सब मांग बजा रही चो। तो ब्राह्मण देवता हमारी कथा सुन जाओ, वही की कथा सुन जाना कतलो मांगो वो का कोई बात ना कह दो सुना दे तो ये सुना दो बना कहानी सुनाई कहानी सुनाता है ना बेटे काई दूंगा मैं पास तो काई भी कोई ना दे वही संकल्प ले और संकल्प ले तो वही ठीक नहीं आते ना तो सर के साथ फोड़ पाड़ के ब्राह्मण देवता कह दे दी वो तो ये के दो दो का काई मिले थे किस्मत पे तो काई कोई नहीं थे ठीक नहीं मिली थी तो एक एक दो दो ठीक नहीं पका तो हुआ घर पा जो घर पर काई लाए काई ना का एक डोखी मिली थी जिन्हें कथा सुनी थी तो क्या ठीक नहीं दी थे जिनको फटाया आयो ना का थोड़ा बहुत तो काय न काय तो गुथे लाम देख ना तुम इरा द्वारा मोती है चमक रहा पता तो पाचा जाओ का जी गेला पाए थे नू गेला पे जाओ का वहीं पड़ी होगी काल तो ठीक नहीं थोड़ी बहुत मिलेगी ओ का किसो तो जो मिल जाओ ना किसो तो काय भी नहीं मिला तो यहाँ जो सुना दो बन चाली सुना दो बन जाते हैं और घर पर चलो खूब बीड़ा बीड़े मारती के बेकार चाहे जो सासू जी ताकत जाएगा फाते ऐसा कर वो या कहीं यहाँ तो कर वही चलो जो तेल का काटा वो अपना आदमी के तहत निकाल लेते वही नीलाए दुलाए से तैयार करे जे तैयार करके चले वही संकल्प लेते हैं तो जो पहला की समोती माउस करी वो तो बामन की बेटी के तहत लागी या समोती माउस करी तो हमारे घर का धनी के तहत लागो वही को घर को धनी खड़े हुए थे तो बामन की बेटी के तहत संकल्प ले समोती माउस दी तो उनको स्वागत मरियो थे तो न दो बन को स्वागत भी मरियो थे जैसा समोती माउस बामन की बेटी के तहत टूटी है सबको तहत जो सबको स्वागत मत कर।